हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी रियलिटी के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे के आसपास का है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बिना बताए हम कभी सहजता से जीवन जी ही नहीं सकते हैं, चाहे उन्हें बताने के बाद हमारी पूरी ज़िंदगी ही दांव पर क्यों न लग जाए। ऐसी एक सच की कहानी आप देखने वाले हैं मूवी रियलिटी में, जो रियलिटी विनर के बारे में है। इस पर एक प्ले बन चुका है, काफ़ी सक्सेसफुल वो प्ले रहा था। अब ये मूवी आपके सामने आई है जो रियल FBI ट्रांसक्रिप्ट्स पर बेस्ड है। उस समय क्या हुआ था इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो पूरी मूवी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी रियलिटी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो रियलिटी विनर जो कि US एयरफोर्स वेटरन रही और उसके बाद ये NSA में एज अ लिंग्विस्ट काम करने लगी और इसी दौरान इन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनकी गवर्नमेंट किस तरीके से इनकी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रही है, ठग रही है। अब इन्हें रास्ता चुनना होता है और ये भली भांति परिचित थी कि अगर ये सच का रास्ता चुनेंगी तो इनके भविष्य में बस अंधकार ही अंधकार रहेगा। येट ये उसी सच के रास्ते पर चलती है और होता भी ऐसे ही है। इन पर एस्पियनेज एक्ट लागू किया जाता है और इस एक्ट के अंतर्गत अब तक सबसे ज़्यादा लंबी मिलने वाली सज़ा इन्हें मिलती है, 5 साल की। 2017 में गिरफ्तार की जाती हैं। इसके जस्ट पहले एक FBI इन्वेस्टिगेशन इनका होता है और उसी इन्वेस्टिगेशन को आप इस मूवी में देखने वाले हैं। इस मूवी में मुझे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव मिले हैं उसके बारे में बताती हूँ। सो द फर्स्ट पोस्टर ऑफ दिस मूवी विल बी सिडनी स्वीनीज एक्टिंग। इस कहानी का ब्रूटली रियल होना ही सफिशिएंट नहीं था, इसे कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी था कि जो रियलिटी विनर का कैरेक्टर है उसने क्या सोच कर ये किया और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब वो क्या फील कर रही थी, क्या उसने यही चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, ये सारी चीज़ें हम तक पहुँचें। और यहाँ पर सिडनी ने बिल्कुल जस्टिफिकेशन किया है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सिचुएशन को आप तक पूरी तरीके से पहुँचाती है, आप प्रॉपर कनेक्टेड पाते हैं कैरेक्टर से। देन सेकेंड थिंग विल बी, क्योंकि ये डायलॉग बेस्ड मूवी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो FBI की चर्निंग चल रही है, जो रियलिटी सोच रही हैं, वो सारी चीज़ें बातों के माध्यम से ही हम तक पहुँचती हैं और यहाँ पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ही क्लियर हैं येट इंटेंस हैं, तो वो काबिले तारीफ़ हैं। देन थर्ड थिंग विल बी, यहाँ पर जो कहानी का सेंटर है, जिस बात को कहा जा रहा है वो आप पर इम्पोज नहीं की जा रही, ऐसा नहीं आप जबरदस्ती उस बात को मानने लगे। आप सिचुएशन देखें क्या हुआ था, उसे आंकें और उसके बारे में पढ़ें, फिर अपने आप एंडिंग पर आए, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। अगर ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो जो इसका कंटेक्स्ट नहीं जानते हैं, जो इसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, जो कहानी यहाँ पर चल रही है, जो FBI इन्वेस्टिगेशन आप देखने वाले हैं, तब तो आप बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप इस मूवी को देखने के पहले रियलिटी विनर के बारे में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लें तो आपको मूवी देखने में अच्छा लगेगा। बाकी जिन्हें 12 Angry Men, आर्टिफिस गर्ल जैसी मूवीज़ पसंद हैं, जो थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, डायलॉग बेस्ड होती हैं, then this movie Stranger Than Fiction is for you guys. That's it, bye.